अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम्स वीकेंड सेशन, जिसमें हम वॉल्यूम लीडर्स को और कमेंट सेक्शन को डिस्कस करते हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे SNGP को, डीजीहान सीमेंट को और उसके बाद GHNI को। स्टार्ट करेंगे SNGP से। SNGP की अगर हम सिचुएशन देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो 39.10 पे ये ओपन हुआ। 39.70 का इसने हाई देखा, लो देखा 37 का, और क्लोज हुआ 39.07 पे। 0.19 का इसने पॉजिटिविटी हमें दिखाई है, जो कि 0.49% में ट्रांसलेट होती है। वॉल्यूम्स इसके इंक्रीज होना स्टार्ट हुए हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट करना स्टार्ट हो गया है, और RSI जो करंट डेली चार्ट्स पे है वो 23.74 का है, जिसका मतलब ये है कि एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड की कंडीशंस जो हैं वो भी इसमें प्रिवेल कर रही हैं। बहुत ज़्यादा ये कम हो चुका है, और अगर इसकी करंट कैंडलस्टिक भी हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की देखें तो इसने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि 38.08 का है, वहाँ से ऊपर की तरफ हमें जो है वो बाइंग प्रेशर भी एक दिखाना स्टार्ट किया है। तो अभी इसकी करंट सपोर्ट जो है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट टू वॉच 38.08 है। अगर इससे नीचे इसने डेली क्लोजिंग दे दी तो फिर ये एक्सपोज करेगा 33.20 को। अपसाइड की अगर हम बात करें तो 43.77 इज अ डिसाइसिव लेवल टू अचीव। 43.77 को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर हमारे पास 45.62 और 48.18 का टारगेट जो है वो ओपन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी आ चुकी है, चंक्स में इसमें बाइंग की जा सकती है। मज़ीद यहाँ से नीचे जाने के इसके चांसेस जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड होते जा रहे हैं। वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें SNGP की, तो लास्ट वीक में इसने वीक ओपन किया था 44.95 पे, हाई देखा 44.95 का ही, 37 का लो देखने के बाद 39.07 पे ये क्लोज हुआ है। 5.40 रुपये का तकरीबन इसने लॉस रिपोर्ट किया, जो कि 12.12% बनता है। सिचुएशन ऐसी है कि RSI 32 पे आ चुका है वीकली भी, एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, और इसकी जो सपोर्ट है वीकली सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, दैट इज 35.80 एंड देन 33.65। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इसका सपोर्ट लेवल का, और यहाँ से इसका पुल बैक जो है वो इनएविटेबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो 48.38 का लेवल बनता है, इसकी वीकली रेजिस्टेंस बनती है, और उसके बाद 54.52 का लेवल जो है ये अपने लिए ओपन करेगा। एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड सिचुएशंस जब हो जाती हैं किसी स्टॉक की, तो उसके नीचे जाने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेलिंग देख चुका होता है। तो अगर नई फ्रेश बाइंग ना भी आए तो उसमें शॉर्ट कवरिंग्स और जो है कुछ इस किस्म की सूरत हाल लोएस्ट प्राइसेस पे जो है वो जनरेट होना स्टार्ट होती है, कि वहाँ पे कुछ हम पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट कर देते हैं। बुलिश नहीं कह सकते इसे कि ये बुलिश चैनल की तरफ जा रहा है अभी, लेकिन इसकी डाउन साइड जो है वो लिमिटेड होना स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास डीजीहान सीमेंट है। डीजीहान की सिचुएशन देखें तो ओपन हुआ इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 126.60 रुपये पे, 133 का हाई देखा, 126 का ही इसका लो बना, और क्लोज हुआ 131.10 रुपये पे। 4.40 रुपये का इसने गेन पोस्ट किया, जो कि 3.47% बनता है। सिचुएशन ऐसी है कि इसमें वॉल्यूम्स अच्छे आए लास्ट वीक में हमने देखा, और इसका करंट RSI 74.80 पे चला गया है, जिसका मतलब ये है कि इसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। रिस्क मैनेजमेंट जो है इसमें करने की ज़रूरत है, और स्टॉप लॉसेज लगा के इसे हम मजीद अपसाइड के लिए ले सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच इज 133.01, 133 रुपये का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 131.10 रुपये पे ये क्लोज हुआ था, तकरीबन 2 रुपये का ये मार्जिन बनता है, और 133 की एक बड़ी रेजिस्टेंस का सामना है। अगर यहाँ से ऊपर ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर ये टारगेट करेगा 139.29 को और 147.57 के रेजिस्टेंस लेवल को। सपोर्ट साइड की अगर बात करें तो 121.90 रुपये, 117.60 रुपये और 113.05 रुपये के तीन सपोर्ट लेवल्स इसके पास अच्छे अवेलेबल हैं, लेकिन RSI 74 पे है, इसलिए इसमें जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकता है। हम देखें तो डिप्स की तरफ जो है इसे बाय किया जा सकता है सपोर्ट लेवल्स पे। वीकली बेसिस पे अगर डीजीहान सीमेंट को हम देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे इस पे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए। लास्ट वीक में इसमें 64.226 मिलियन वॉल्यूम्स का बिजनेस हुआ, जो कि उससे पिछले वीक में मेयरली 18 मिलियन वॉल्यूम का बिजनेस था। वीक इसने ओपन किया था 119.70 रुपये पे, 133 रुपये का हाई देखा, 115.50 रुपये का वीकली लो देखने के बाद क्लोज हुआ 131.10 रुपये पे। 12.48 रुपये का गेन बनता है, जो ट्रांसलेट होता है 10.52% पे। वीकली RSI भी 72 पे जा चुका है बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देखने के बाद। MACD का एक बाई सिग्नल इंटैक्ट है वीकली बेसिस पे भी, और रेजिस्टेंस जो बनती है वीकली वो 139.67 फॉलोड बाई 145.55 है। सपोर्ट लेवल्स की अगर बात करें तो 125.90 रुपये की वीकली सपोर्ट
और उसके बाद 116 रुपये 96 पैसे की वीकली सपोर्ट अवेलेबल है। जो बहुत बड़ा इसका बाइंग इंटरेस्ट हम देख रहे हैं वो 110 रुपये 90 पैसे के लेवल पे है, और ये एक बहुत बड़ी इसकी जो है मेजर सपोर्ट अवेलेबल है। तो एज आई मेंशनड अर्लियर अच्छा चल रहा है अभी तक, 133 का लेवल हमें देखना है डेली चार्ट्स पे कि वहां से ऊपर ये ब्रेकआउट देता है या नहीं। वहां से ऊपर ब्रेकआउट देने की सूरत में इंशाल्लाह जो है इसमें मजीद पॉजिटिविटी आएगी। कोशिश कीजिएगा कि जब इसमें प्राइसेस डिक्रीज होना शुरू हो तो तब ही इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जाए, और अगर अभी आपके पास इसकी होल्डिंग है तो पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है स्टॉप लॉस लगा के। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास जो है वो GHNI है, गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। गंदारा ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन किया 306 रुपये 50 पैसे पे, 308 रुपये 60 पैसे का हाई देखा, 301 रुपये 10 पैसे का लो देखने के बाद ये क्लोज हुआ 302 रुपये 43 पैसे पे। 4 रुपये 70 पैसे का लॉस है जो कि ट्रांसलेट होता है 1.53% पे। RSI 44 पे आ चुका है, जिसका मतलब है कि ये अपने जो है इसने कंसोलिडेशन फेज जो है इसका कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। सपोर्ट लेवल 294.38 बनता है इमीडिएट, और रेजिस्टेंस जो है या जो अपसाइड पोटेंशियल को मजीद अनलॉक करने के लिए इसकी सिचुएशन बनेगी वो 312 रुपये 83 पैसे का लेवल बनता है। तो ये इमीडिएट लेवल्स हैं, अगर 294 रुपये 38 पैसे से ये नीचे आया तो फिर एक बड़ा सपोर्ट हमारे पास 283 रुपये 66 पैसे पे भी अवेलेबल है। 312 रुपये 83 पैसे को अचीव करने के बाद ये अपनी जो है मूव स्टार्ट करेगा 327 रुपये 90 पैसे की तरफ, और फिर उसके बाद 347 रुपये 20 पैसे की तरफ। तो ये इसके रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं। GHNI अच्छा स्टॉक है, बायोम डिप्स सपोर्ट लेवल के करीब आपको मिलना शुरू हो जाए, और अगर आप वहां देखें कि ये वहां से बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट करना शुरू कर रहा है तो इंशाल्लाह वहां से जो है इसमें लॉन्ग पोजीशंस मजीद बनाई जा सकती हैं। वीकली बेसिस पे अगर GHNI की हम बात करें तो वीकली बेसिस पे जो हमारे पास इसकी सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि वीक ओपन इसने किया 317 रुपये पे, हाई देखा 334 रुपये 98 पैसे का, लो देखा 300 रुपये का, और क्लोज हुआ 302 रुपये 43 पैसे पे। 11 रुपये 8 पैसे का लॉस बनता है जो ट्रांसलेट होता है 3.53 पे। RSI 58 पे है, जिसका मतलब यह है कि इसकी जो सिचुएशन हमारे पास जनरेट होना स्टार्ट हुई थी आपके 21 दिसंबर वाले वीक में, जहां पे ये ओवर हीटेड सिचुएशन की तरफ चला गया था, वहां से इसने कंसोलिडेशन लेना स्टार्ट की, और अभी 296 रुपये 70 पैसे के करीब एक वीकली सपोर्ट है जहां पे इसकी कंसोलिडेशन जो है वो काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। अगर वहां तक ये सहारा ले लेता है वीकली बेसिस पे फिर तो ठीक है, अदरवाइज इसका डिसाइसिव सपोर्ट लेवल जो है वो 282.65 का लेवल बनता है। यहां तक ये सेफ है, इससे नीचे क्लोजिंग देने की सूरत में इसमें जो है वो सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट होगा। अपसाइड की बात करें, रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस जो बनेगा वो हमारे पास 348 रुपये 90 पैसे का, और उसके बाद 384 रुपये 44 पैसे की रेजिस्टेंस लेवल बनेगी। वीकली लेवल्स पे इसके जो है हम वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं। लास्ट वीक में इसमें 5.798 मिलियन वॉल्यूम्स का बिजनेस हुआ, जो कि उसे पिछले वीक में हमारे पास मेरली 3.419 मिलियन वॉल्यूम्स थे। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं, जिसका मतलब है चेंज ऑफ हैंड इसमें हो रहा है, कंसोलिडेशन के करीब जब ये आ रहा है तो इसमें कुछ जो है सेलिंग एब्जॉर्ब होना भी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा लग रहा है एज ऑफ नाउ, अगर ये कंसोलिडेट हो जाता है 296 के करीब तो इंशाल्लाह फिर इसमें हम देखेंगे कि ये अपने अपसाइड पोटेंशियल को मजीद अनलॉक कर लेगा। दिस वुड बी ऑल फॉर दिस सेशन, उम्मीद है कि वी हैव हेल्प यू इन एनी वे। अगर हम हेल्प कर रहे हैं आपकी तो आई रिकमेंड यू कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, दैट विल हेल्प यू टू गेट द रेगुलर अपडेट्स इन अ टाइमली मैनर। सो अंटिल नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।